दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया था और आज वो चांद के ऑर्बिट के पूरे चक्कर लगाने के बाद लैंडिंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसे सिग्नल भेज दिए हैं कि दुनिया हैरान हो गई है, क्योंकि पहली बार कोई एडवांस AI चांद पर तूफान मचा रहा है। भारत का यान तय समय से ठीक ठाक चल रहा है और जल्द ही ये चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग भी करने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। असल बात यह है कि हमारे चंद्रयान 2 ने भौकाल मचा दिया है, क्योंकि चंद्रयान 2 अब पूरी तरह से चंद्रयान 3 से कनेक्ट हो चुका है और चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 को ऐसे ऐसे सीक्रेट्स डेटा शेयर किए हैं जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। आखिर वो डेटा क्या था, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों के बारे में, हमारे चंद्रयान 3 की खोज के बारे में, हमारे चंद्रयान 2 के खोज के बारे में, हमारे उस चंद्रयान 2 के खोज के बारे में जिसको पूरी दुनिया भूल चुकी थी, जिसको पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से फेल हो चुका है, उसके बारे में पूरी दुनिया ये जान सके कि आज चंद्रयान 2 क्या क्या कर रहा है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, जहाँ भी हो सके। हमें उम्मीद है आप ये छोटा सा काम तो जरूर करेंगे। खैर दोस्तों, 7 सितंबर 2019 के दिन एक खबर सुनने को मिली थी कि चांद पर गया हमारा चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग करते वक्त फेल हो गया है। और जब वही चंद्रयान 3 चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाले ऑर्बिट को चक्कर लगा रहा है, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 तेजी से अपने मिशन की ओर आगे बढ़ रहा है। अब तक चांद पर पहुंचने के तमाम पड़ाव को चंद्रयान 3 ने बखूबी पार कर लिया है और शुक्रवार को 4 बजे ही चंद्रयान को इसरो ने पहली बार डी बूस्ट किया था। ये प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है और चंद्रयान ने चांद के सबसे करीबी ऑर्बिट में इंटर कर चक्कर लगाना भी शुरू कर दिया है। और ये सब मुमकिन हो पाया है तो चंद्रयान 2 की मदद के बदौलत, क्योंकि दोस्तों हम चंद्रयान 2 को तो भूल ही गए हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के लिए रास्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया है। यूं कहे कि चंद्रयान 2 हमारे चंद्रयान 3 को गाइड कर रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 के लिए 20 अगस्त का दिन यानी आज का दिन काफ़ी ज़रूरी माना जा रहा है। दरअसल चंद्रयान 3 अगस्त की 23 तारीख को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। ऐसे में इस सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान किसी भी तरह की परेशानी या फिर दिक्कत ना आए, इसलिए लैंडर मॉड्यूल की स्पीड को कंट्रोल में लिया जा रहा है। लैंडर को कंट्रोल करने के लिए इसकी डी बूस्टिंग की जा रही है और डी बूस्टिंग के लिए चंद्रयान 2 काफ़ी ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 2 में इसका क्या रोल है, तो हम आपको बता दें कि हमारे इसरो के हेडक्वार्टर से और जो हमारा चंद्रयान 3 है उसके बीच का फासला लगभग 3 लाख किलोमीटर का है, 3 लाख किलोमीटर का। और उसके बाद भी जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चांद के चक्कर लगा रहा है। ऐसे में ये बात तो साफ है कि जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चांद के गोल गोल चक्कर लगा रहा है, और जब चक्कर लगा रहा है तो एक वक्त ऐसा भी आ रहा है कि चंद्रयान 3 चांद के पीछे चला जा रहा है, यानी वो हमारा जो इसरो का हेडक्वार्टर है यानी हमारा अर्थ है और जो चांद है वो चांद के बिल्कुल पीछे चला जा रहा है और हमारा कनेक्शन चंद्रयान 3 से टूट जा रहा है, या यूं कहें कि जो कनेक्शन है वो थम जा रहा है। और इसी कनेक्शन को बनाए रखने के लिए चंद्रयान 2 काफ़ी बड़ी मदद कर रहा है। आज चंद्रयान 3 को चांद के 30 बाई 100 किलोमीटर वाले अंडाकार ऑर्बिट में डाला जाएगा और इसमें भी हमारे चंद्रयान 2 का अहम रोल होने वाला है दोस्तों। और जब हमारा चंद्रयान 30 बाई 100 किलोमीटर वाले अंडाकार ऑर्बिट में आ जाएगा तो इसके बाद ये चांद की सतह में लगभग उतरने के लिए तैयार हो जाएगा। यही वजह है कि ये प्रक्रिया भी चंद्रयान 3 के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा लैंडर की स्पीड को 30 किलोमीटर की ऊँचाई से अंतिम लैंडिंग तक कम करना है जिससे सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। ये वो जगह है जहां हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो दोनों गुरुवार को ही सफलतापूर्वक अलग हो गए हैं। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम और रोवर चांद के साउथ पोल पर लैंड करेंगे, लेकिन अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग में कोई भी समस्या आती है तो 1 महीने के बाद यानी सितंबर में फिर से इसको लैंड करवाने की कोशिश की जाएगी। वैज्ञानिकों ने बताया है कि 23 अगस्त को लैंडर विक्रम और रोवर चांद पर लैंड नहीं हुए तो उनको फिर से अगली सुबह का इंतज़ार करना होगा।
दिलचस्प बात यह है कि चांद पर अगली सुबह 28 दिन के बाद होगी। इसी वजह से फिर से सितंबर में लैंडिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस बार लैंडर विक्रम के पास हर खतरे को भांपने और आने वाले खतरे से बच निकलने की एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसे हैजार्ड डिटेक्शन एंड एविडेंस सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा लैंडर नेविगेशन एंड गाइडेंस कंट्रोल और थ्रस्टर सिस्टम से भी लैस किया गया है। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 का लैंडर बहुत मजबूत बनाया गया है। इसके पैरों को इसरो ने इस बार काफी मजबूती दी है। साथ ही अगर लैंड करते वक्त लैंडर के सेंसर फेल भी हो जाते हैं तो भी यह आसानी से लैंड कर पाएगा। इसकी स्पीड मापने के लिए 2 नए सेंसर भी जोड़े गए हैं। चांद की सतह को छूने से पहले लैंडर की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के लैंडर मॉड्यूल पर लगे कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कई बार भेजी हैं। इसरो ने इन तस्वीरों को हमसे कई बार साझा भी किया है। इसमें से कुछ तस्वीरें 15 अगस्त को लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC ने खींची है, जबकि कुछ तस्वीरें 17 अगस्त को लैंडर इमेजर यानी LI कैमरा 1 ने खींची थी। ये दोनों ही तस्वीरें भारत की तकनीक को दर्शा रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों के लिए ही चांद पर काम करेगा, क्योंकि चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेट सिर्फ 14 दिनों तक ही कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा लैंडर और रोवर होगा वो पूरी तरह से धूप की रोशनी पर निर्भर होगा। और जैसा कि हमें पता है कि चांद पर तो सिर्फ 14 दिनों के लिए ही दिन होती है, फिर उसके बाद लंबा यानी 14 दिनों तक रात होती है। इसलिए दोस्तों, जब वहाँ रात होगी तो फिर हमारे रोवर को पावर नहीं मिल पाएगा, और जब पावर नहीं मिल पाएगा तो वो फिर ठप हो जाएगा। इस मिशन के जरिए भारत चांद पर पानी होने के सबूत पूरी दुनिया को दिखाएगा। चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं इसकी भी जांच करेगा। हमारे प्रज्ञान रोवर में लगे कई सेंसर चांद की सतह की बारीकी जांच करेंगे और उससे मिले डेटा को वो सबसे पहले तो लैंडर तक पहुंचाएंगे, और फिर प्रज्ञान रोवर से मिले डेटा को हमारा लैंडर चंद्रयान 2 तक भेजेगा, और फिर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो लैंडर विक्रम से डेटा हासिल करेगा उसको सीधा हमारे इसरो के हेडक्वार्टर तक भेज देगा। है ना दोस्तों, ये चंद्रयान 2 की काफ़ी बड़ी मदद। दोस्तों, पूरी दुनिया ये मान के चल रही थी कि चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरीके से फेल हो चुका है, लेकिन चंद्रयान 2 ने तो अभी अपना काम करना शुरू ही किया है और आगे भी अभी करता रहेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को चंद्रयान 2 के लिए लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। साथ ही अगर आप इसरो को अपनी शुभकामनाएँ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में गुड लक इसरो जरूर लिखें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले